के एक निजी अस्पताल में अधेड़ महिला की किडनी निकालने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। महिला अनिरुल निशा साठ पत्नी आवेद हुसैन जंगीपुर थाने के शहादतपुर गांव की रहने वाली थी। डीएम संजय कुमार खत्री ने किडनी निकालने के आरोप की पुष्टि के लिए 20 जुलाई को कब्र से लाश निकालकर पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। अनिरुल निशा बीते 29 जून को जंगीपुर थाने के मिट्ठापारा में बाइक हादसे में जख्मी हो गई थी। जिला अस्पताल से रेफर होने के बाद घरवाले उसे प्रकाश ट्रॉमा सेंटर मऊ ले गए, जहां दूसरे दिन ऑपरेशन के बाद आईसीयू में रखा गया। 17 दिनों तक लगातार इलाज के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ, तब घरवाले उसे डिस्चार्ज कराकर वाराणसी के लिए चले गए। रास्ते में उसका दम टूट गया, लाश लेकर घर आए। दफनाने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें अनिरुल निशा की कमर के पास चीरा टाका का निशान मिला, उस पर उन्हें किडनी निकालने का शक हुआ। उसके बाद वह जंगीपुर थाने पर पहुंचे, लेकिन पुलिस मऊ का मामला होने की बात कहकर उन्हें टरका दी। आखिर में घरवाले आज डीएम से मिले। डीएम ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने अनिरुल निशा की घरवालों के आरोप की पुष्टि के लिए उसके शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि सदर एसडीएम की मौजूदगी में महिला की कब्र से लाश निकालकर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। अगर किडनी निकालने की बात सामने आई तब संबंधित के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। मऊ भागे और प्रकाश हॉस्पिटल में हम लोग उसको एडमिट किए। एक रात रखने के बाद दूसरे दिन डॉक्टर बोला कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बगैर ऑपरेशन का ये ठीक नहीं होगी। तो हम लोग कम पैसा था, लेकिन सोच विचार करके उसने कहा कि भाई 28,000 लगेगा, लेकिन हम 20,000 पे ऑपरेशन कर देंगे। तो हम लोग सोचे चलो 8,000 रुपये घटा रहा है, और बेड का कहा कि 2500 लगता है उसका, हम 1,250 कर देंगे। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, तब हम लोग करा दिए ऑपरेशन। 17 दिन उसने रखा था आईसीयू में, लेकिन कोई उसको आराम नहीं था, इसलिए हमने उसको निकलवाए, रेफर करवाए, और रेफर करवा करके लेकर जा रहे थे बीएचयू, और जो बीएचयू जा रहे थे वो रास्ते में वो लड़की स्पार कर गई और हैं। फिर घर लाए उसका दाह संस्कार करने के लिए। जब दाह संस्कार करने के लिए उनको नहलाया जा रहा था, तो औरतों ने देखा कि सर में तो जो ऑपरेशन था, और ये पेट में भी ऑपरेशन था, जिसमें 10 टाँके लगे हुए थे। तो हम लोग को शक हुआ कि ऐसा तो नहीं कि कोई इसमें इनका किडनी उडनी वगैरह निकाल लिए हैं। हम लोग 17 दिन रहे थे, लेकिन उसमें कोई डॉक्टर हम लोग को ये नहीं बताया कि नहीं इनका पेट का भी ऑपरेशन किया गया है, ना ही हम लोग को भेंट करने दिया था। और 1.5 लाख रुपया तक हमारा लग गया था। क्या शंका है आप लोगों को? सर हमको शंका है कि उनके अंग के अंदर कुछ निकाला गया है। 21 हॉस्पिटल में आपने भर्ती कराया था मऊ में? प्रकाश हॉस्पिटल में। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं सर कि उनका जांच किया जाए, बॉडी निकाल के पोस्टमार्टम किया जाए। जंगीपुर थाने के एक व्यक्ति ने मुझे एक एप्लीकेशन दिया है कि उसकी पत्नी का पहले रोड एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद इलाज कराने के लिए मऊ लेकर गए और सिर में चोट लगा था, उसका डेथ हुआ, और जो उसके बाद देखा गया तो उसके पेट में भी कुछ टांके लगे थे। और उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट ये किया कि उसका कब्र से शव निकाल कर पुनः उसका पोस्टमार्टम कराया जाए। तो लीगल जितनी जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करते हैं।